संजीव कैसे? आप प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम सब ठीक ठाक? हाँ भैया, तबियत कैसा है? बस ठीक है, ठीक है। इसी बीच में सैलो बवाल भी किया। अरे ना, इसे टेंशन नहीं लेना है। नहीं नहीं बढ़िया, सब जो होता है चेक ले। सब बहुत बढ़िया हो गया, सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। साफ हो गया, सही बात है, सब बढ़िया हुआ। अब संजीव लगे रहे ना, जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना, प्रदर्शन वगैरह। ना ना, इसमें यहाँ की टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं, बस वहाँ पे मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब बना के। जब आना होगा ना भैया बिहार, दो बताएंगे। दो दिन कम से कम पहले उसके लिए प्रोग्राम रखे हैं। नहीं नहीं, बिहार के जितना अम्बेडकर हॉस्टल है ना, हम लोग के सर्किल के जितना छात्र उत्पाद है, सबको सूचना कर दिया जाए। एयरपोर्ट से कार्यालय तक मतलब खाली हुजूमे रहे। नहीं नहीं, पहले ही हम उसका भी बताएंगे, है ना। बाकी बस रोज देखना कि इसी तरीके से प्रदर्शन वगैरह, भीड़ भाड़, ऑफिस ऑफिस में सब अपना करके रखना, किसी चीज की कुछ भी जरूरत होगी। नमस्कार, बिहार अपडेट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अक्षय दीप। किसी भी राज्य में चुनावी सरगर्मी तब तेज होती है जब उस राज्य में चुनाव हो, परंतु ये बिहार है, यहां सालों भर सियासी पारा आसमान पर रहता है। हम बात कर रहे हैं लोजपा प्रकरण के बारे में। चिराग पासवान जो कि लगातार मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं, अब उनके एक विश्वसनीय नेता का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो चिराग पासवान को लगातार पटना आने की न्योता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पटना में हंगामा किया जाए और पार्टी को घेरा जाए। हमारे साथ मौजूद है संजीव सरदार जी जो कि लोजपा के युवा नेता है। सर, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? ऑडियो वायरल हुआ है, पता ना कौन किसी साजिश के तहत ये ऑडियो को वायरल किया गया है एडिट करके, इसमें कोई सत्ता नहीं है जी। रही बात प्रदर्शन की जी, तो हम लोग पार्टी में 14 वर्षों से हैं। पार्टी में कुछ लोग गलत तरीके से पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग में आक्रोश है रामविलास पासवान जी की विचारधारा को बचाने को लेकर, कि उनकी विचारधारा को बचाना है, उनके विचारधारा से हम लोग पार्टी में जुड़े थे। अभी जो परिस्थिति बनी हुई, इस परिस्थिति में रामविलास पासवान जी की विचारधारा को जन जन तक एक ही नेता पहुँचाने का काम कर सकते हैं, चिराग पासवान जी। और हम लोग मजबूती के साथ चिराग पासवान जी के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान जी हमें कभी नहीं कहें कि आंदोलन करो, घेराव करो, ये करो वो करो, क्योंकि आंदोलन हम लोग खुद करते हैं। हम लोग जानते हैं किस तरह से आंदोलन करना चाहिए, कब घेराव करना चाहिए, क्या प्रक्रिया है आंदोलन की। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से कुछ लोग पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, उनका विरोध कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। जब तक चिराग पासवान के साथ न्याय नहीं होगा, हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। ऑडियो वायरल हुआ उसमें आप कह रहे हैं आंदोलन करने की बात की जा रही है। हाँ, तो आंदोलन तो करेंगे ही ना। आंदोलन जब पार्टी पर कोई गलत तरीके से कब्जा करेगा, हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग की हक है ना। पार्टी किसी सांसद की नहीं ना है, पार्टी सिर्फ सांसद की नहीं ना है। कितने कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि जो है चिराग पासवान को अध्यक्ष से हटाना है, तो 5 सांसद ही पूरे पार्टी को नहीं ना चला रहे थे। हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी का है जो इस निर्णय का विरोध कर रहा है, चिराग पासवान के साथ खड़ा है। ऑडियो वायरल होने के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? ऑडियो वायरल क्या हुआ, ये कौन साजिश किया, कहाँ एडिट किया गया, एडिट कर साजिश कर ये जो है ऑडियो को वायरल किया गया है और लोगों के बीच है, तो इसमें हम लोग। ऑडियो तो आप ही का है ना। देखिए, चिराग पासवान जी से तो हमेशा हमेशा बात होते रहती है, आज नहीं, जब से वो आए हैं चिराग पासवान जी राजनीति में बिहार में, तब से हम लोग की लगातार बातें होते रहती है। कोई एक दिन थोड़ी, हमेशा चिराग पासवान से बात होती है। और कौन कहाँ से क्या एडिट करके किया जी। अब अगर चिराग पासवान पटना आते हैं तो आगे क्या कार्रवाई होगा? चिराग पासवान जी के स्वागत करने के लिए हम लोग पूरे बिहार से छात्र नौजवानों को इकट्ठा करके, प्रतिदिन हमें फ़ोन आता है, लोग पूछते हैं संगठन से जुड़े हुए छात्र कि भैया कब आ रहे हैं पटना, हम लोग भी आएंगे। तो जब भी उनका आने का प्रोग्राम होगा तो हम लोग जो है से सभी को सूचना करेंगे। पूरे बिहार से छात्र नौजवान चिराग पासवान की स्वागत करने के लिए उतावला हैं कि पटना की धरती पर, बिहार की धरती पर चिराग पासवान कब आ रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में हम लोग उनको मालाओं से लाद कर, कई लोग तो कह रहे हैं कि सूरजवान सिंह ही जो है ये फूट डालने में उनका अहम रोल है। अब उनका है, वो क्या किया नहीं किया उनका, हम लोग तो पार्टी के सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो विचारधारा के बचाने का काम करेगा उसके पास साथ हम लोग हैं। चिराग पासवान ही लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे, इसलिए हम लोग चिराग पासवान के साथ हैं। हमारे साथ मौजूद थे संजीव सरदार जी, इनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने चिराग पासवान को पटना आने का न्योता दिया और लगातार प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आगे की क्या प्रक्रिया होती है वो देखने योग्य होगा। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।